आज गुजरात के दूसरे और अंतिम चरण के वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता केंद्रों पर वोटरों का तांता लगा हुआ है और इस बीच देश के पीएम मोदी वोट डालने के लिए दिल्ली से गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने साबरमती के रणप बूथ में अपना वोट डाला। लेकिन उससे पहले वो वोटरों की लंबी लाइन में लगे और अपनी बारी आने का इंतजार किया। इस बीच मोदी ने वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की और घर के बाहर आए लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। वोट डालने के बाद मोदी जब स्याही लगी उंगली दिखाने बूथ से बाहर निकले तो वहां मौजूद लोगों की भारी भीड़ ने खूब नारे लगाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि वोट डालने के बाद मोदी ने अपने बड़े भाई सोमा भाई मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस नज़ारे ने माहौल को एक तरफ जहां भावुक बना दिया तो वहीं लोगों ने मोदी मोदी नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरा माहौल एकदम से मोदीमय हो गया। वैसे ये पहली बार है जब पीएम बनने के बाद मोदी ने अपने गृह नगर गुजरात में वोट डाला है। NMF News की रिपोर्ट।